यांत्रिक संवर्ग के तेक्नीशियन का पदनाम परिवर्तित कर बेसिक अपर अभियंता रखे जाने सहित 13 सूत्री मांग को लेकर राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के सदस्यों ने गुरुवार को महाप्रबंधक विद्युत वितरण कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्य अभियंता को प्रेषित किया। प्रदर्शन कर रहे प्राविधिक कर्मचारी संघ के सदस्यों का कहना था कि सरकार लगातार कर्मचारियों का शोषण कर रही है, विद्युत विभाग निजीकरण की तरफ ढकेल रही है, जिसके कर्मचारी संघ घोर निंदा करता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के महासचिव अखिलेश गुप्ता ने कहा, प्रसिद्ध होते हैं कि बार बार एक एक साथियों, आज देश 70 साल से आजादी प्राप्त किया है, यही कर्मचारी 70 साल से काम कर रहे हैं। जब अपना देश भारत आजाद हुआ था, न उसमें टाटा थे, न बिरला थे, न रिलायंस था, यही कर्मचारी सरकारी कर्मचारी के बल पर आज जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्यवस्थाएं हैं, उसी के तहत काम चल रहा था। जो इनका कदम वापस हुआ दो दिन बाद, यह सामूहिक समस्या थी, इस नाते से वो सफल हो गए। मैं सभी संगठनों को आह्वान करता हूं केंद्रीय स्तर के, आप अकेले लड़के कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिस्टम से लड़ना है, सरकार से लड़नी है, और सरकार इतनी सिस्टम बना दी है, जब तक सभी लोग राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के बैनर तले केंद्रीय आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों में तकनीकी कर्मचारियों का धरना है, सांकेतिक धरना है। सरकार का प्रशासन का ध्यान आकर्षण कार्यक्रम है, जिसमें हमारी कुछ मांगे हैं, उसपे हम लोग सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, जिसमें प्रमुख रूप से ग्रेड पे जो हमारा अवर अभियंता के ठीक नीचे का पद है, तो हमारा ग्रेड पे भी अवर अभियंता के ठीक नीचे का होना चाहिए। दूसरी बात, टाइम स्केल जो हमारी लगती है, पहला टाइम स्केल अवर अभियंता का, दूसरा सहायक अभियंता का, तीसरा अधिशासी अभियंता का होना चाहिए। उसके अलावा जैसा कि विभाग के बंटवारे के समय सरकार ने आश्वासन दिया था कि हमें एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, लाभ तो दिया गया है, लेकिन वो लाभ हमें 1/1/2016 से दिया गया है, उससे पहले के साथियों को भी वो लाभ मिलना चाहिए। इसी तरीके से प्रदेश में जितने भी हमारे तकनीकी साथी कैश पे यानी राजस्व पे काम कर रहे हैं, उनका बीमा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन लूटपाट की खबरें आती रहती हैं, तो उनका बीमा कराया जाए, उनको कैश वैन की सुविधा दी जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में कैश लाने में लूटपाट का भी भय रहता है। इस तरह से और कुछ मांगे हैं जिनको दूर कराने के लिए हम सरकार को ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। अगर आज के ध्यान आकर्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाती है और हमारी समस्याओं को दूर कर देती है, तो हमारा आगे का आंदोलन यही समाप्त हो जाएगा, वरना चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा चुकी है और इस आंदोलन को हम आगे और तेजी के साथ आगे ले जाएंगे।